राजस्थान विधानसभा में आज लंपी बीमारी पर बहस हुई। इसमें विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार को घेरा। विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता वासुदेव देवनानी ने आरोप लगाया कि देश भर में सर्वाधिक लंपी संक्रमण के मामले राजस्थान में सामने आए हैं, जो दर्शाता है कि राज्य सरकार इस बीमारी की रोकथाम में पूर्णतया विफल रही है। लंपी बीमारी में सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है। गौ, जिसको आम समाज माता मानता है, उसके प्रति जिस प्रकार से लापरवाही प्रशासन ने बरती है, कई जगह शव खुले में पड़े हैं और उसके साथ उनके टीका, जो उत्तर प्रदेश और गुजरात ने आज से महीनों पहले तैयारी कर ली और उत्तर प्रदेश में 22 लाख टीके लग चुके और लगभग 82 लाख टीके उनके पास स्पेयर में पड़े हैं, राजस्थान ने इसमें किसी प्रकार की कोई पहल नहीं की। और आज मुख्यमंत्री जी केवल केंद्र को पत्र लिख करके इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करो, इसके अलावा इनके पास कोई काम बचा नहीं है, हर मुद्दे पर केवल दिल्ली को पत्र लिखो। अरे, आपके पास आपदा कोष में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक रुपए पड़े हैं, आप क्यों नहीं इसको राज्य आपदा कोष से इन लोगों को सहायता दो। हम मांग करेंगे कि गोपालकों को मुआवजा दिया जाए, टीके की व्यवस्था की जाए और इस प्रकार के संक्रमण से रोकने के लिए हमने सबने विधायकों से अपील की, हमने 10-10 लाख रुपए, कई भारतीय भाजपा के विधायकों ने अपने विधायकों से भी राशि दे दी, यानी फिर भी सरकार के कानों पे जूते नहीं रहेंगी। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि सरकार अपने स्तर पर लंपी बीमारी की रोकथाम का काम कर रही है। कोई सीरियसनेस नहीं दिखाई, लगातार पूरा देश कह रहा है कि आप इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दो, उन्होंने राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं की। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कोई ये पूछे, आज आप जयपुर में प्रदर्शन कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? आप जब कांच में अपना चेहरा देखोगे तो काला नजर आएगा। गो माता की जो आज हालत बिगड़ी, वो उसके लिए आप जिम्मेदार है। गुजरात से ये बीमारी फैली और गुजरात में इतनी बड़ी तादाद में डेथ हुई गायों की,